अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो सब। तो आज हम बनाएंगे बैंगन का भरता। तो चलिए फिर हमारे बैंगन के भरते की रेसिपी की शुरुआत करते हैं। अब भरता बनाने के लिए हमें भरते का बैंगन लगेगा। तो ये मैंने एक बैंगन लिया है, इसको मैंने पानी से धोकर इसको टॉवल से साफ़ कर लिया है। अब इस पर हमें कुकिंग ऑयल लगाना है, थोड़ा सा इवनली स्प्रेड करना है हमें बैंगन पे ऑयल, और इसको हम गैस पे भून लेंगे अच्छे से। अगर आपके पास चूल्हा है तो आप चूल्हे पे भूनने हैं, क्योंकि जो चूल्हे पे बैंगन बनता है उसका टेस्ट बहुत लाजवाब होता है। अब सिटी में तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम चूल्हे पे भूनें, तो हम चलिए गैस पे ही भून लेते हैं बैंगन को। तो हमें ये बैंगन को अच्छे से भूनना है, इसके लिए 10 मिनट लगेंगे हमें भूनने के लिए बैंगन को। तो जब तक हमारा बैंगन भून रहा है तब तक हम मसाले की तैयारी करते हैं। इसके लिए हमें 2 प्याज लगेगी बारीक कटी हुई, 1 टमाटो लगेगा बारीक कटा हुआ, साथ में हरा धनिया लगेगा, थोड़ा सा करी पत्ता, अदरक लहसुन का पेस्ट और 3 से 4 हरी मिर्च। और मसाले में हमें लगेगा साबुत जीरा 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून धनिया की पाउडर, आधा टेबल स्पून हमें हल्दी लगेगी, 1 टेबल स्पून हमें जीरा पाउडर लगेगा और 1 टेबल स्पून लाल मिर्च की पाउडर लगेगी। तो बस बैंगन को टर्न करते हैं, हमें सब जगह से भूनना है बैंगन को। देखिए अभी 10 मिनट बाद ये बैंगन हो गया है। अब ये जैसे ही बैंगन सब जगह से हो जाएगा तो हमें एक बर्तन में पानी लेना है, नॉर्मल वाटर रूम टेम्परेचर पे, और उसमें बैंगन डालना है हमें, और बैंगन को अच्छे से पील करना है। उसकी जो स्किन है वो हमें निकालनी ही अच्छे से। देखिए अगर आपकी स्किन निकल नहीं रही है अच्छे से तो इसका मतलब है आपका बैंगन अच्छे से भुना नहीं गया है। तो आप एक बार फिर से भून लीजिए बैंगन को, देखिए इतनी ईजीली निकल जाती है इसकी स्किन। तो बस इसकी स्किन निकाल लीजिए और ये बैंगन को अच्छे से पानी से साफ़ कर लीजिए। तो मैं भी स्किन निकालती हूँ, बैंगन को साफ़ कर लेती हूँ, फिर आपके सामने हाजिर होती हूँ। तो देखिए ये बैंगन मेरा साफ़ हो गया है। अब इसको हम एक मैशर से मैश करेंगे। मैशर नहीं है तो आप कोई भी एक स्पून से मैश कर सकते हो इसको। ये जो मसाले के जो भी इंग्रेडिएंट्स हमें लगेंगे वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, तो आप वहाँ जा के देख सकते हो। तो चलिए अब बैंगन को पका लेते हैं। उसके लिए मैंने कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है। अब इसके अंदर हम प्याज डालेंगे, कटी हुई प्याज। अभी जैसे हमने 2 प्याज ली थी तो 1 प्याज हम गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे और 1 प्याज हम मसाले के लिए यूज़ करेंगे। तो मैंने इसमें बस 1 ही प्याज डाली है। अब इसको थोड़ा सा पका लेते हैं। हमें प्याज को बहुत नहीं पकाना है, थोड़ा कच्चा ही रखना। तो बस ये मैंने प्याज को 1 मिनट तक थोड़ा पकाया है। अब इसके अंदर हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लगेगा हमें। तो देखिए मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, करी पत्ता डाला है और जो हमने कटी हुई हरी मिर्च ली थी 3 से 4 वो डाली है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो बस देखिए हमारा अदरक लहसुन पक गया है। अब इसके अंदर हम हमारे सूखे मसाले डालेंगे। आप लाल मिर्च आपके टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, आपको कितना तीखा चाहिए, क्योंकि हमने वैसे भी इसमें हरी मिर्च डाली है तो लाल मिर्च हमें कमी लगेगी। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल सकते हो, 1 टेबल स्पून। अब मैंने इसमें टमाटोज डाले हैं। अब 1 मिनट तक इसको अच्छे से पकाते हैं ताकि हमारे टमाटोज अच्छे से पक जाए। और मैंने इसमें 1 टेबल स्पून नमक डाला है ताकि हमारे टमाटोज जल्दी गल जाए। तो बस देखिए मेरा मसाला रेडी है। अब मैंने इसमें जो हमने बैंगन को मैश किया था वो डाला है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमें ज़्यादा पकाना नहीं है क्योंकि हमारा बैंगन ऑलरेडी पक गया है जो हमने रोस्ट किया था। तो इसको बस 1 और मिनट के लिए हमें चलाना है और फिर गैस को बंद करना है। तो बस देखिए ये मेरा बैंगन का भरता रेडी है। देखिए कितनी इजी रेसिपी है और झट से तैयार हो जाएगी। अब इसको एक सर्विंग बाउल में निकालते हैं। इसके ऊपर कटा हुआ प्याज
और हरा धनिया डाल के गार्निश कर लीजिए। इसको आप गरम गरम फुलके या रोटी के साथ सर्व कर सकते हो। तो देखिए आपके टेस्टी बैंगन का भरता रेडी है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। तब तक ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी, लव लव, अल्लाह हाफिज़।